हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और गवाही के वीडियो में। आज हम आप लोगों के आगे एक गवाही शेयर करते हैं। इस गवाही को शुरू से एंड तक सुनना, आपकी लाइफ बदल जाएगी मेरे प्रियो, जैसे कि हमारी बदली है। और इस गवाही को एक दूसरे के पास शेयर करना, क्योंकि उसकी भी जिंदगी बची जाएगी। शेयर करना आपका काम है मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं बचाई जाए। चलिए हम गवाही आपके सामने शेयर करते हैं। मेरे प्रियो, एक लड़की थी और वो लड़की जैसे कि जैसे संसार में हो रहा है मेरे प्रियो, आप लोग सभी लोग देख रहे हो जैसा संसार में हो रहा है, पाप व्यभिचार बहुत ही जोर है मेरे प्रियो, वैसे वो लड़की भी करते थे मेरे प्रियो। वो लड़की भी पापी थी, उसे भी पाप हुए, गलती गुनाह हुए, अपराध भी हुए। जो पाप होते हैं संसार में वो पाप हुए हैं, बड़े से बड़े पाप हुए हैं मेरे प्रियो। लेकिन जब से वो लड़की ने प्रभु को जाना, जब से उसकी लाइफ बदल गई, जब से उसकी लाइफ बदल गई मेरे प्रियो, जब से उसने प्रभु को जान लिया, जब से पाप करना बंद कर दिया, जब से वो पाप करना बंद कर दिया मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि पाप शैतान करवाता है मेरे प्रियो, पाप शैतान करवाता है, क्योंकि शैतान नर्क को ले जाना चाहता है और परमेश्वर स्वर्ग को ले जाना चाहता है मेरे प्रियो। क्योंकि तो लड़की थी, उस लड़की के जीवन में बहुत सारे पाप थे, बीमारियां थी, अंधकार में थी वो लड़की ना। लेकिन जब से परमेश्वर को जान लिया, जब से वो उजाला में आ गई और पाप करना बंद कर दिया, बीमारी से छुटकारा पा लिया। ये बताते मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी जन जो लोग नहीं विश्वास करते हैं प्रभु पर, और जो लोग विश्वास करते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग नहीं विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, वो प्रभु पर विश्वास करो, हर एक चीज से आप छुटकारा पाओगे। या तो आप पाप करते हो या बीमारी परेशान हो तो आप बीमारी से भी छुटकारा पाओगे, पाप करते हो तो पाप से भी छुटकारा पाओगे, जिस प्रॉब्लम्स में हो प्रॉब्लम से भी छुटकारा पाओगे। क्योंकि मेरे प्रियो, उस लड़की की एक जगह से शादी भी लगी थी मेरे प्रियो, और उस लड़की के मन से शादी वो नहीं थी, पर उसके घर वाले, उसके मम्मी पापा बोल रहे थे कि हम वहीं से करेंगे, और वो लड़की बोली हम वहाँ से नहीं करेंगे। लेकिन वो लड़की ने बोली हम वहाँ से शादी नहीं करेंगे, फिर भी बहुत सारे लोगों से सिफारिश उठवाई कि आप लोग हमारी शादी कैंसिल करवा दीजिए, पर किसी ने उसकी आवाज़ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। परंतु जब किसी ने नहीं उसकी आवाज़ पर ध्यान दिया, तो वो लड़की ने परमेश्वर से बोली। वो लड़का संसार का था ना, इसलिए वो लड़की नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो लड़की विश्वासी थी, थोड़ा से थोड़ा करके प्रभु को जान लिया था। जब शादी तय हुई थी उसके बाद में उसने प्रभु को जान लिया, प्रभु को ग्रहण किया, तब उसने बोली कि हम वहाँ से शादी नहीं करेंगे। फिर भी किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और किसी ने नहीं उस शादी को कैंसिल करवा पाया। फिर वो लड़की ने प्रभु के सामने रो रो के, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ करती थी कि परमेश्वर ये जीवन साथी मेरे जीवन से चला जाए। और प्रभु ने उस लड़की की दुआ को सुना और उत्तर दिया यीशु के सामर्थी नाम में, वो शादी कैंसिल हो गई। लड़की के जीवन में परमेश्वर ने बेस्ट जीवन साथी दिया, बेस्ट और बेहतर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को हर एक मसीह भाई बहनों के लिए शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।